टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से बरभीघा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन जी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई, जिसमें डॉक्टर राकेश रंजन ने बरभीघा विधानसभा क्षेत्र के कोरोना संबंधित समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया तथा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहनीय एवं सार्थक बताया एवं इस कोरोना लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर राकेश रंजन जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 सुझाव दिए गए। हर प्रखंड में एक स्पेशल कॉल सेंटर बनाया जाए जिसमें 24 घंटे वाहन सुविधा हो। यहाँ भी किसानों को गेहूं का इनपुट सब्सिडी मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ 60% गेहूं की क्षति हुई है। टाटी नदी एवं पोरा से मोरा तक की नहर का जीर्णोद्वार कराया जाए। लाने और ले जाने का काम किया जाता है जिससे संक्रमण बढ़ने की खतरा बनी रहती है। तो इसके लिए श्रीमान से निवेदन है कि इस बातों पर ध्यान दिया जाए तथा मैं किसान का एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में श्रीमान को अवगत कराना चाहता हूं कि शेखपुरा जिला में और खासकर बरबीघा विधानसभा के किसान लोगों को जो गेहूँ का क्षति हुआ है वो 60% से अधिक हुआ है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी क्षति मात्र 25% ही दिखाए हैं, जिसके कारण यहाँ के किसान को गेहूँ का इनपुट सब्सिडी नहीं मिल पाया है। तो यहाँ के किसानों को गेहूँ का इनपुट सब्सिडी दिलवाने की कृपा की जाए तथा श्रीमान से एक अंतिम आग्रह और मैं करना चाहूँगा कि बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है और यहाँ बरबीघा विधानसभा में मुख्य रूप से पानी का सोर्स दो ही है, एक पौरा से मौरा तक नहर है और दूसरा टाटी नदी, और बरसात में भी इन दोनों नहर और नदी में भी पानी नहीं आ पाता है। कारण ये दोनों का स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं श्रीमान से आग्रह करूँगा कि ये नदी और नहर को अगर जल जीवन हरियाली के माध्यम से जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के 80% किसान खुशहाल हो जाएंगे। धन्यवाद।